डॉक्टर साहब, ये आईवीएफ का मतलब क्या होता है? आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जो आप पूछ रहे हैं, आमतौर पे इसका जो नाम प्रचलित है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ये प्रणाली इस तरह की है कि साइंस की तरक्की ने ये आज हमारे हाथ में रखा हुआ एक वरदान है वंदित्व वाले कपल्स के लिए, जिनको बच्चे नहीं होते, निसंतान होते हैं, उन लोगों के लिए। कुदरत ने हमें इस तरह से बनाया है कि ये जो बीज कोष है इसके साथ जुड़ी हुई ये गर्भनलिका है। अब हर निकला हुआ बीज जरूरी नहीं कि गर्भनलिका में जाए, अगर ये निकला हुआ बीज गर्भनलिका में न जाए तो बच्चा होना असंभव है। शुक्र जंतु जो है वो योनि मार्ग में गिरे जाते हैं, यहां से वो तैरते हुए इसका केवल दसवां हिस्सा अंदर जाता है, यहां पे इसे रोकथाम होती है, यहां पे और एक जगह रोकथाम होकर इसका दसवां हिस्सा यहां जाता है। तो केवल 1% जो है ये शुक्राणु यहां से यहां तक पहुंच पाते हैं। अगर ये शुक्राणु यहां पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल जाहिर बात है कि हमारी गर्भनलिका दो क्रियाएं ठीक से करे, एक कि वो खुली हो ताकि शुक्राणु वहां से वहां तक पहुंच पाए, और दूसरी चीज होनी चाहिए कि निकला हुआ हर बीज जो है वो अपने अंदर वो खींच के ले ले। कई बहनों में या तो ये गर्भनलिकाएं बंद होती हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो असक्षम है, काम नहीं कर पाती, अपना जो काम होता है वो पूरी तरह से पार नहीं पार सकती। तो ऐसे केसेस में निकला हुआ हर बीज जो है वो अपनी क्रिया पूरी नहीं कर सकता कुदरती तौर पे। अब इन बीजों को अगर हम शरीर से बाहर निकाले एक सूक्ष्म सुई के द्वारा, और उन शुक्राणु के साथ उनका अंकुरीकरण शरीर के बाहर करें, तो फर्क यह हुआ कि एक तरफ कुदरत जो है ये अंकुरीकरण करने की क्रिया शरीर के अंदर कर रही थी, और जो क्रिया शरीर के बाहर की जाती है उसको अगर हम पूरी तरह से कंट्रोल में करें तो करीब करीब जो शरीर में हो रहा था उतना ही या उससे कहीं बेहतर भी हमें रिजल्ट आ सकता। टेस्ट ट्यूब बेबी ये जो नाम प्रचलित हुआ ये प्रेस ने दिया गया था, इसका जो टेक्निकल नाम है वो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर जो है अंकुरीकरण होना, शरीर के अंदर जब होता है इसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो शरीर के अंदर जब ये क्रिया पूरी होती है तब हमारी गर्भनलिकाएं और गर्भथैली सक्षम है बीजकोश में से हर निकले हुए बीज को लेने के लायक, ये लाजमी है। अगर मान लो हमारे बीजकोशों में उतनी ताकत है और ये आगे वाली क्रिया पूरी नहीं हो पा रही तो हम इस बीज को बाहर निकालते हैं, अंकुरीकरण करते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जो लोगों को गलत फहमी है वो ये है कि क्या वो बीज हमारा होगा, क्या वो शुक्र जंतु हमारा होगा, ऐसा नहीं है। स्त्री का खुद का ही बीज इस्तेमाल होता है, उनके जो हस्बैंड है उन्हीं का स्पर्म इस्तेमाल में आता है। अगर कहीं पे इनमें इतनी बड़ी खामी है कि नहीं है तो भी दूसरे का बीज या दूसरे के शुक्राणु लेने की नौबत आ गई तो बगैर उनकी रजामंदी ये कभी नहीं किया जा सकता। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपका बच्चा नहीं है। फिर ये अंकुर जो होता है वो तीसरे या पांचवें दिन सीधा गर्भ थैली में रखा जाता है। इसका कहने का मतलब जो निकला हुआ बीज था वो इस मार्ग से अंकुरित होकर थैली में ना पहुंचकर इसे बाहर निकलकर उसका अंकुरीकरण बाहर होकर हम सीधे गर्भ थैली में इसे छोड़ देते हैं।